दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे आप अपने व्हाट्सएप के अंदर एनिमेशन वाला स्टिकर को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के अंदर मैंने यहां पर एनिमेशन वाला स्टिकर को ऐड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने व्हाट्सएप के अंदर स्टिकर को ऐड करना चाहते हैं एनिमेशन वाला स्टिकर को, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस तरह के एनिमेशन कैसे ऐड किया जाता है। तो दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से एक नया अपडेट आया है जिसमें आप अपने व्हाट्सएप के अंदर एनिमेशन वाले स्टिकर को ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कैसे इस तरह के एनिमेशन आप अपने व्हाट्सएप में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हम यहां पर जिस भी स्टिकर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एनिमेशन में ये वाले स्टिकर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे स्टिकर यहाँ पर एनिमेशन में अपडेट किए गए हैं। आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने व्हाट्सएप के अंदर चलिए बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को प्ले स्टोर से जाकर के अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप जिस भी पर्सन को स्टिकर सेंड करना चाहते हो एनिमेशन वाले स्टिकर आपको सिंपली उसके चैट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक मिलेगा इमोजी का आइकन, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले इस तरह का यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ स्टिकर देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर एनिमेशन वाले स्टिकर नहीं मिलेंगे, इस तरह का आपको एनिमेशन इस तरह का स्टिकर मिलेगा। यहाँ पर आपको एनिमेशन वाला नहीं मिलेगा, जब भी आप इसे सेंड करोगे तो इसमें एनिमेशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको एनिमेशन वाले स्टिकर को ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना हुआ है, इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एनिमेशन वाला भी स्टिकर दिया हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर दिया हुआ है, इसका फाइल दिया हुआ है। आपको क्या करना है देखिए, जिस भी स्टिकर के सामने स्टिकर के नाम के सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर प्ले का आइकन बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का जितने भी स्टिकर में दिया हुआ है आप सारे के सारे डाउनलोड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी है। सो दोस्तों आपको यहाँ पर जितने सारे ये प्ले वाले आइकन के साथ में स्टिकर दिया हुआ है आपको सिंपली उसके सामने ये इस तरह का आइकन जो होगा डाउनलोड का आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। सो दोस्तों डाउनलोड होने के बाद आपको बैक अपने व्हाट्सएप के अंदर आना है और आने के बाद आपके सामने इस तरह का शो होगा। देखिए यहाँ पर ये लाइन में यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों आपको इस तरह का शो करेगा, आपको किसी के भी ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपके व्हाट्सएप के अंदर एनिमेशन वाला स्टिकर ऐड हो चुका है। सो दोस्तों अब आप फाइनली किसी को भी ये वाला स्टिकर सेंड कर सकते हो एनिमेशन वाले, जब भी आप सेंड करोगे तो एनिमेशन में ही ये स्टिकर सेंड होगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन वाले स्टिकर को हम डाउनलोड कर लिए हैं और यहाँ पर सेंड जैसे ही किए हैं, तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर सेंड किए हैं तो ये एनिमेशन में ये वाला स्टिकर सेंड हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एनिमेशन वाले स्टिकर दिया हुआ है। आप अपने मर्जी से जिस भी एनिमेशन वाले स्टिकर को यूज करना चाहते हो सो दोस्तों कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप में एनिमेशन वाले स्टिकर को यूज कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।